हेलो, आई एम डॉक्टर रत्न रक्षित इंगोले। आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एट तुलासी हेल्थ केयर गुड़गांव। आज मैं आपको एक मानसिक समस्या जिसको हम लोग डिप्रेशन के नाम से जानते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होने का जो चांस होता है वो काफ़ी होता है। और जो मानसिक बीमारी में हम लोग कहेंगे कि जो कॉमन बीमारी होती है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, उसमें से डिप्रेशन एक कॉमन समस्या है। तो डिप्रेशन में हम लोग जब देखते हैं कि अगर किसी को अर्ली डिप्रेशन के जो साइंस होते हैं वो हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें अगर आप में खुद को दिखाई देने लगे, आपके आसपास कोई जो लोग हैं अगर उनमें दिखाई देने लगे, तो आप एक तरह से ये सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति को कहीं डिप्रेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसमें से कुछ साइंस में आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि अगर किसी का मूड जो होता है या फीलिंग स्टेट जो होता है, अगर वो लो रहने लगे या सैड फील होने लगे या दुखी फील होने लगे, और ये जो सैडनेस या दुखीपन जो होता है हम लोग देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, पूरा दिन भर चलता रहता है और ऐसे हफ्तों तक चलता रहेगा या महीनों तक चलता रहेगा। और यूजुअली ये देखते हैं कि ये जो सैडनेस होता है वो आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी सिचुएशन में भी जाओ जहाँ पे आपको खुशी महसूस हो सकती है, वहाँ पे भी ये सैडनेस जो होता है ये परसिस्ट करता है। फिर जो बॉडी में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ऐसे लगता है कि कम हो गए पहले से, और कोई भी छोटा फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद भी ऐसे लगता है कि फिजिकली थकान आने लगी है, टायर्डनेस फील हो रहा है। और कुछ जो पहले चीज़ें अच्छी लगती थी उसमें से जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उनमें से जो खुशी मिलती थी वो नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, किसी को न्यूज़पेपर अगर पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को टीवी में अगर कोई रिक्रिएशनल चीज़ें देखना अच्छा लगता है, तो उसमें से, या किसी को स्पोर्ट्स और कोई अच्छा लगता है, तो उसमें से धीरे धीरे जो है वो प्लेजर मिलना कम हो जाता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हम लोग कहते हैं लोगों में होते हैं। लोगों का नींद और भूख के ऊपर भी असर होने लगता है। तो दीज आर सम कॉमन साइन जो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ हो रहा है, आपके आसपास के जो लोग हैं उनमें से किसी को हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं इस बारे में कि आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको जैसे एक डॉक्टर्स का ओपिनियन लेना है, प्रोफेशनल का ओपिनियन लेना है। अगर आप में इनमें से कोई साइंस आपको दिखाई दे रहा है, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि डिप्रेशन और लाइफस्टाइल का क्या रोल है। तो अगर किसी को पहले डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही है, अगर किसी को पास्ट में कोई एपिसोड हो चुका है, या फिर अगर किसी को लग रहा है कि मेरे में कुछ साइंस है डिप्रेशन के, तो आपको आपके लाइफस्टाइल अच्छा रखने का कोशिश करना है। अगर आपको हल्का फुल्का डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल का नहीं है, या फिर आपके पास्ट में एपिसोड हो चुका है, और अगर आपका जो एपिसोड है वो ख़त्म हो चुका है और आपको एक बेटर स्टेट फील हो रहा है, तो आगे जाके आपको वापस से डिप्रेशन ना हो, इसलिए अगर आप कुछ लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस करते हैं तो आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो लाइफस्टाइल में हम लोग देखते हैं कि जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, जो आपको मेंटली हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है और आपको फिजिकली हेल्दी रहने के लिए भी ज़रूरी है, ऐसे अगर आप आपकी लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें करेंगे तो आपको उससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो उसमें से जो कॉमन चीज़ें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला तो आपको आपका नींद का बहुत ध्यान रखना होता है। आपको आपकी नींद की जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखनी पड़ती है। तो कम से कम 7 से 8 घंटा एक प्रॉपर नींद लेना पड़ता है, और डेली बेसिस पे लेना है, रेगुलर लेना है। अगर कोशिश करें कि आपका जो सोने का टाइम है, जो जागने का टाइम है, वो थोड़ा फिक्स रखें। फिर उसके अलावा जो तीनों मील्स होते हैं वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आपको ब्रेकफास्ट, एक हेवी ब्रेकफास्ट जैसे होता है, और साथ में लंच और डिनर जो है आपके स्किप नहीं होने चाहिए, तो ये तीनों मील्स आपको लेने, और एक बैलेंस जो होता है डाइट में वो रखने का कोशिश करना है। हमारा जो खाना होता है उससे हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको मील्स का भी बहुत ध्यान रखना है। तीसरा, एक फिजिकल एक्टिविटी आपको आपके लाइफस्टाइल में रखनी बहुत ज़रूरी है। वो आपके चॉइस की फिजिकल एक्टिविटी आप रख सकते हैं, जैसे अगर किसी को सिंपल वॉक करना अच्छा लगता है, किसी को कोई स्पोर्ट्स अगर खेलना अच्छा लगता है, किसी को जिम में जाना अच्छा लगता है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करनी है।
फिजिकल एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी डेली रेगुलर बेसिस पे कर रहा है तो उसकी वजह से जो ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं, जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, वो आपका मूड को बूस्ट करते हैं। और आप में अगर कोई सैडनेस हो रहा है टेम्पररीली तो वो डेफिनेटली आपका मूड एलिवेट करने में आपकी मदद करेंगे। तो रेगुलर बेसिस पे आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपको स्ट्रेस अगर हो रहा है आपकी लाइफ में तो आपको बैठ के एक अच्छे से प्लान बनाना पड़ेगा कि जो स्ट्रेस हो रहा है वो किस तरह से मैनेज किया जाए। क्या कोई आप अभी जो आपका जो डील करने का तरीका है, क्या कोई उसको चेंज करके आपके लाइफ में जो स्ट्रेस है वो आप कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि लोगों की लाइफ में रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो छोटी छोटी दिखने में लगती है लेकिन उसकी वजह से मानसिक तनाव होता है और जो कि ज़रूरी नहीं होती है। तो अगर आप बैठ के प्लान करेंगे कि आपके लाइफ में जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो कुछ नेसेसरी है या अननेसेसरी है और उसकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो रहा है, तो जो अननेसेसरी चीज़ें आप उसको अवॉइड कर सकते हो। फिर आपकी आप प्रायोरिटीज सेट कर सकते हो कि जो शूट चीज़ें हैं जो आपको करनी ज़रूरी है, अगर आप उसको आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखेंगे, आप उसको डीले नहीं करेंगे, प्रोकेस्टिनेट नहीं करेंगे, उसको हेड ऑन डील करेंगे, तो आपको जो होने वाला स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। और साथ में आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ आप किस तरह से एडजस्ट करते हो, आप कैसे उन लोगों के साथ यू आर गेटिंग अलॉन्ग विद द पीपल, ये सारी चीज़ें अगर आप सही तरीके से हैंडल करते हो तो आपको जो होने वाला स्ट्रेस है वो कम होगा। फिर आपको लग रहा है कि आपका सब कुछ करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, आपका जो मूड है वो कुछ भी करने से ठीक नहीं हो पा रहा है, आपको जो एनर्जी है बॉडी में बहुत थकान हो रही है, आप बाकी चीज़ों से जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी कम हो गया, ख़त्म हो गया, और साथ में जो थिंकिंग प्रोसेस जो है बहुत निगेटिव हो चुका है, और आपने बहुत कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ज़्यादा बेहतर है कि जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं आप उनसे सलाह लें ताकि आपको जल्दी से जल्दी हेल्प मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आपको मदद मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स, क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू।